हिसार के महावीर स्टेडियम के बाहर राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की गई और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता, जिला उपायुक्त अशोक कुमार मीना सहित DSP व अन्य अधिकारियों ने इसमें शिरकत की। राहगिरी पहले के मुकाबले ज्यादा जोश और जुनून से भरपूर रही। राहगिरी में थीम पेंटिंग प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। छोटे बच्चों को इसमें प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। मुख्य अतिथि ने कहा कि राहगिरी कार्यक्रम में हिसार के युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है, इससे आपस में एक दूसरे से भाईचारा की प्रेरणा जागृत होती है। हमारे शहर में आज राहगिरी भाईचारे का प्रतीक। मैं अभी सुबह जब वहां से चलकर आ रहा था तो DC साहब को कह रहा था कि इस समय अगर कोई बीमार व्यक्ति भी अगर यहां आकर ये माहौल एक दूसरे का मिलने का जो देखेगा तो उसकी आधी बीमारी तो दूर हो जाएगी। कि सुबह उठकर अपने माता पिता को, अपने बड़ों को चरण छूकर अगर आप आशीर्वाद लेंगे तो इस श्लोक के माध्यम से आपके जीवन में चार चीजों की वृद्धि होगी। कौन सी चार चीजें? आयुर्विद्या यशो बलम, आयु की विद्या की आपको यश मिलेगा, आपको बल मिलेगा। और ये काम आप करेंगे तो आपके बच्चे आपके साथ करेंगे। आई न्यूज के लिए हिसार से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।